अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मनचले की हरकतों से एक युवती इस कदर परेशान हो चुकी है कि अब उसे मनचले से हर समय डर लगा रहता है। युवती ने इसकी शिकायत मनचले के परिजनों से की, लेकिन परिजनों द्वारा उल्टा सीधा बोलकर पीड़िता को ही धमका दिया गया। भाजपा से पूर्व मेयर शकुंतला भारती के साथ पीड़िता ने SSP दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना जमा के मंजूर गली की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि एक मनचला उसी की दुकान में बहुत वर्षों से रह रहा है। जैसे ही युवती द्वारा मनचले से दुकान को खाली कराया गया तो मनचले ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मनचले ने युवती से पैसे व एक प्लॉट की डिमांड कर दी। मनचला युवक विशेष समुदाय से है, जबकि युवती हिंदू समुदाय की है। युवती ने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से लेकर मनचले के परिजनों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद पीड़िता भाजपा से पूर्व मेयर शकुंतला भारती से मिली और पूरी घटना से अवगत कराया। पूर्व मेयर शकुंतला भारती पीड़िता को लेकर SSP दफ्तर पहुंची और मनचले पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं SSP कलानिधि नैथानी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेरी घटना ये थी कि मेरे दुकान में रहता था, दुकान में रहने के बाद उसको निकाल दिया गया। निकालने के बाद उसने उसी चीज़ का जो है मेरा फ़ायदा उठाया, घर वालों से कुछ नहीं कह पाया तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। कौन था वो? वो दुकान में दुकानदार है। क्या नाम था? आदिल। कितने समय से दुकान में रह रहा था? एक साल से रह रहा है। किस जगह पर? मंजूरगढ़ी। तो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, बहुत सारे मैसेज कर रहा है, धमकी दे रहा है मारने की। मैंने सब लोगों को बोल दिया, घर पे बोला है, प्रधान जी को बोला, सबको बोला है। किसी ने मदद नहीं की है? मदद करते भी कहते भी वो मानने को तैयार नहीं। उसके भाई को बोला, उसके भाई ने बोला कि आदिल को मत समझ, मुझसे बात कर क्या करनी है। तो इस दोनों शामिल है? सब लोग शामिल है, उसकी फैमिली। आप किस जगह आई हैं? आप कहाँ आई हैं? SSP साहब। अब मैं मैम के साथ SSP साहब के घर। क्या कहा उन्होंने? बोला है कि अभी गिरफ्तार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।